हरियाणा के अंदर आई है, हरियाणा में कैथल और कैथल में माय विलेज देवबन। तो ऐसा क्या खास लगा देवबन गांव में अमेरिकन छात्रों को? सोशल हरियाणा की टीम आज आपको दिखाएगी अमेरिका से जो छात्र इंडिया का भ्रमण पर आई है, इंडिया का टूर पर आई है, उनकी ट्रांसलेटर है मैडम जिसे बात करते हैं, उन अमेरिकन स्टूडेंटों से भी आपको मिलवाते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जो स्टूडेंटों ने गुरुजी और गुरुजी के परिवार के सॉन्ग सुने हैं, सिंगिंग म्यूजिक सुना है, कैसा फील हो रहा है? उनको बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा, वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये हमें पहली बार इस तरह की चीज राजेश जी है जिसका पूरे क्षेत्र में टेंट फेमस है, और आज आपने भी विजिट किया, राजेश जी का टेंट लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, अनेक लोगों को खाना था, और साथ में अमेरिकन छात्र आई थी इनको भी लंच का। तो कैसा परफॉर्मेंस लगी राजेश जी की? बहुत अच्छा, इन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, हम लोगों को खाना खिलाया, फ्रूट्स खिलाए, मिठाई खिलाई, बहुत ही बच्चों को बहुत पसंद आया और अच्छा लगा। बच्चे अमेरिका से आके हमारे हरियाणा के खाने की तारीफ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एमएससी छोड़ करके म्यूजिक वाला बच्चा क्या कभी कामयाब हुआ है? उन्होंने क्या पिताजी में कामयाब होकर दिया? नाउ ही सेड हिम यू आर नाउ साइंस स्टूडेंट एंड बट व्हेन ही केम टू नो हिज एफिशिएंसी इन म्यूजिक ही बिकेम देन मेरा नाम सोनिया कुमार है और मैं नवोदय विद्यालय में जॉब करती हूँ और तित्रम में रहने वाली हूँ। छोटे से विलेज में गाता लक्ष्मी तित्रम में पार्टिसिपेट करने वाले से हम समाज के बारे में क्या क्या आपको जानने को मिला? वो बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत पैशन है उनमें, सीखने की जील है और वो इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। हरियाणा में घूम कर क्या संदेश देना चाहती है आपकी? हमारी टीम ये चाहती है कि जैसे जगह जगह पे घूम रही है टीम, और जैसे ये टीम इसलिए आई है कि वहाँ पर जो अमेरिका है वहाँ से भारत में हरियाणा में क्या क्या प्रोडक्ट है उन चीज़ों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने का ही हिस्सा है इंटर्नशिप। जो मैम अमेरिकन स्टूडेंट हरियाणा के अंदर आई है, हरियाणा में कैथल और कैथल में माय विलेज देवबन, तो ऐसा क्या खास लगा देवबन गांव में अमेरिकन छात्रों को? यहाँ पे हरियाणा का उनको सबसे अच्छा एग्रीकल्चर लगा, गांव के लोग अच्छे लगे, मिलनसार हैं, गांव के घर अच्छे लगे, परिवार अच्छे लगे, खाना भी अच्छा लगा, सब लोग अच्छे हैं, उनको एक डिफरेंट लग रहा है, वो बहुत खुश है। जो हरियाणा का खाना मैम और खाना में लस्सी का जो आपने भी टेस्ट किया वो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। टेंपल है इधर कैथलिस्टी का टेंपल है, आपने भ्रमण किया उनका टेंपलों का, कैसा? बहुत अच्छा, हम माता मंदिर गए थे कल, बच्चे लोग माता मंदिर वहाँ कैथल का जो माता गेट पे, हाँ माता गेट के पास जो मंदिर है उसमें सब बच्चों ने मंदिर को भ्रमण किया, अलग अलग जगह को ये देखेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड भी देखने आए हैं, काफी चीजें इन्होंने हरियाणा के बारे में जानी है, जो जो हमारा संस्कृति है असली इनका उद्देश्य उसको जानना, तो नई चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। हरियाणवी कल्चर में ऐसा क्या खास लगा मैम जो अमेरिकन छात्र आगे भी जाके अपने देश में भी शेयर करेंगे आपसे जो बात हुई है? यहाँ टोटली अमेरिका से डिफरेंट है, एक्चुअली जब मैं भी अमेरिका गई हूँ वहाँ से हमारा देश बिल्कुल अलग है। अच्छा। तो उनको नई चीजें देखने को मिल रही है, जैसे हमें वहाँ नई लग रही थी उनको यहाँ नई लग रही है, और वो खुश है यहाँ के कल्चर को देख के कि हमें नई चीजें देखने को मिली है, नया कल्चर है, कैसे एक फैमिली एक साथ रहती है। मैम आप अमेरिका गई हो, अगर वहाँ के एजुकेशन की बात की जाए और यहाँ के एजुकेशन की बात की जाए, आप भी टीचर हो एक, तो कितना डिफरेंट मानते हो? काफी डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है इंडिया और अमेरिका में, उनका अपना तरीका है हमारा अपना तरीका है। फिर भी कुछ अंतर तो बताओ मैम, वहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम है, हिंदी है कुछ, या उनकी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की? नहीं, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं सारे बच्चे, और उनमें हर बच्चे के पास क्लास में टैब होता है, मोबाइल होता है, और टेक्नोलॉजी उनकी हाई है, उससे पढ़ाते हैं, और वहाँ यूनिफॉर्म नहीं होती वहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म है तो हमें अलग लगता है, जाते ही एक बार तो लगा कि हम स्कूल है या नहीं है, क्योंकि हमें आदत है वो यूनिफॉर्म में बच्चों को देखने की,
तो वो चीज़ हमें अलग लगी पढ़ाने का तरीका। हम वहाँ पर बच्चे बहुत क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं, और यहाँ पर हमें भी अपना अच्छा लगता है कि हम भी बच्चों को बहुत कुछ देते हैं। हर एक का अलग तरीका होता है, समय स्थितियों के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अच्छा है या उनका अच्छा है, हर एक का अलग तरीका होता है पढ़ाने का। जो ये अमेरिकन छात्र है, ये कितने दिन हो गया और कितने दिन और हरियाणा में रहेगी? ये अभी 19 तारीख तक यहाँ है। 19 तारीख तक जी, और इनको आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये इनको बहुत अच्छा लग रहा है सीखना, जैसे हमें अच्छा लगा था। हम कह रहे हैं ना कि हर चीज़ हर जगह पे उस समय स्थितियों के हिसाब से अच्छी होती है। जैसे यहाँ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, वहाँ की पढ़ाई उनके हिसाब से बहुत अच्छी है। तो हर जगह की चीज़ अच्छी होती है, डिफरेंट होती है। हम ये कहेंगे कि डिफरेंट चीज़ों को जानने का मौका मिलता है जब हम कहीं जाते हैं। आज गांव देवबन का टूर था जी आपका। हाँ, गांव देवबन में और कुछ क्या क्या खास लगा आपको? हम गए थे बलबीर शर्मा जी के यहाँ, वहाँ पर भी उनके संगीत को देखकर, उनके बेटे की उपलब्धियों को देखकर, उनके फिल्म में प्रोग्राम्स को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। उनके बच्चों से भी मिले, बड़ों से भी मिले, चाय भी पी, बहुत जानने को मिला गाँव के बारे में। और अभी हम राजेश जी के यहाँ हैं, और राजेश जी से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों में हमारी मदद करते रहे हैं, हेल्प करते रहे हैं। जब भी हम तितरम गांव में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो इनको हम बुलाते हैं और ये हमें टेंट सेवाएं देते हैं, कभी इन्होंने मना नहीं किया और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो मैम, गांव देवबन में आए हो, गांव देवबन वासियों के लिए और हरियाणा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे है। गांव में रहना मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मेरा बचपन गांव में बीता है, अभी भी मैंने तितरम में मकान बनाया है। अच्छे गांव बहुत ही अच्छे होते हैं, गांव हरियाणा के गांव बहुत बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं लोग, और यहाँ रहना मुझे, जिंदगी बिताना गांव में अच्छा लगेगा। तो आज हमारे गाँव में आए थे अमेरिकन छात्र, गाँव देवबन का उन्होंने भ्रमण किया और गाँव देवबन उन्होंने बहुत ही लाइक किया, पसंद किया। तो देखते रहिए सोशल हरियाणा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू जी हरियाणा जी, हरियाणवी।